विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस की अंतर राज्य सीमा पर नाकेबंदी जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार फेफाना पुलिस ने गांव रतनपुरा में हरियाणा सीमा पर नाकेबंदी के दौरान हरियाणा की ओर से आए एक कैंटर को रोककर तलाशी ली। उसके कैबिन में रखी 7,15,500 रुपए बरामद हुए। इस संबंध में हरियाणा के रानिया निवासी चालक से पूछताछ की गई। पुलिस ने राशि का चुनाव में दुरुपयोग होने की संदेह को लेकर मौके पर एफआरटी को बुलाया। टीम ने उक्त राशि को जब्त कर लिया। अधिकारियों के निर्देश अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर थाना की हरियाणा सीमा से लगते जो मुख्य मार्ग है उन पर स्थायी रूप से नाकाबंदी की जा रही है। आज रात्रि को रतनपुरा नाके से कृष्ण कुमार निवासी रानिया से 7,15,500 रुपए जब्त किए गए हैं। एफएसटी टीम को मौके पर बुला के शीघ्र की कार्रवाई की गई है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई है सर? अभी ये जो राशि जब्त की गई है इसकी जांच होगी कि कहीं ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो हरियाणा राज्य से राजस्थान राज्य में नहीं आ रही।